ज्यादा खबरों के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साइक्लोन इम्फाम ने पश्चिम बंगाल में कहर बरपा दिया है और ये कहर पश्चिम बंगाल से लेकर बांग्लादेश के बीच तक है। साथ ही साथ इम्फान का कहर उड़ीसा में भी जारी है। इस बीच कई पश्चिम बंगाल में ऐसी इमारतें थी जिनकी छतें टीन की थी, वो छतें उड़ती हुई नजर आईं, जिसके बाद वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल है। जो कच्चे मकान थे वो गिर गए, बिजली के खंभे थे वो गिर गए, जिसकी वजह से बिजली की सुविधा पूरी तरीके से प्रभावित है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया है कि उनका आकलन है कि प्रदेश में 1,00,000 करोड़ तक के आसपास का नुकसान हुआ है, लेकिन अभी भी इस इम्फाम का कहर जारी है। 2 सदी बाद इतना बड़ा तूफान पश्चिम बंगाल की तट पर देखा गया है, जिसके बाद लोगों के अंदर डर का भाव है। लोग डर रहे हैं घर से निकलने में, लेकिन NDRF की टीमें लगातार वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर राहत का कार्य जारी है। एक तरफ देश में कोरोना की मार है तो दूसरी तरफ भारत में इम्फाम का कहर है। कोलकाता में हवा की गति 120 से 133 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। कोलकाता में 3 घंटे में 180 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। कई इलाके इस कारण जलमग्न हो गए हैं। दक्षिण बंगाल के कई जिलों में भी सड़क, बिजली, पुल, संचार व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जिस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं, उससे लगता है कि तूफान से 1,00,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। इस तरह से चक्रवाती तूफान एम्फन ने बंगाल में तबाही मचाई है। IMD के अनुसार 22 मई से इस तूफान के